जब मेरा कभी किचन गार्डन होगा ना, तो मैं पक्का ये सब कुछ उगाने वाली हूँ, मेथी, धनिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये वाले कौन से प्लांट्स हैं। ये कॉर्न के प्लांट्स है, मतलब भुट्टा जिसको हिंदी में कहा जाता है। मुझे भुट्टे का प्लांट्स नहीं पता था, बट लॉकडाउन के वक्त मैंने देखा था। सी दिस, ये है मेथी, ये है गाउठी मेथी, और इसकी कितनी सुंदर सी खुशबू आ रही है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और मुझे मेथी की सब्जी वैसे भी बहुत पसंद है, मैं आज इसको तोड़कर पक्का बनाऊंगी। सी दिस मेथी, वाह यार क्या खुशबू, ऐसा लग रहा है ऐसे कच्ची कच्ची खा जाऊं मेथी को। यहाँ पे कोरिएंडर भी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। धनिया, ये रहे, ये तो मेथी है लेकिन ये है धनिया। ओह वाह, इसके फ्लावर्स कितने सुंदर है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप देख, सी ये है धनिया, ये है, और कितने लंबे लंबे, इतना लंबा मैंने कभी नहीं देखा। वाह, इसके फ्लावर्स भी कितने प्रिटी है यार। ओके सो ये रही दूधी, बॉटल गार्ड। वाह यार कितनी प्रिटी है, ये है बॉटल गार्ड दूधी। कितनी छोटी है फिलहाल तो, ये बहुत छोटी सी है, इसको भी और बड़ा होने देना। सी दिस यार, कितना सही है यार, इसको देख के ही मन करे इधर ही रह जाऊँ, बट नहीं यार अकेला नहीं रहने होएगा ना। यहाँ पर टमाटर भी है, ये रहे टमाटर, अब तक पके नहीं है बट टमाटर भी है यहाँ पे। धनिया, टमाटर, जो भी चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को क्या चाहिए आप बताओ, मैं आपको ला कर देती हूँ। सॉरी मजाक कर रही थी, मैं नहीं ला कर दे सकती। टोमेटोस, मिर्ची 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 नजर तिरछी। हाय, मेरे को ये गाना ना बहुत मजा आता है यार, मैं मिर्ची का कोई भी प्लांट देखती तो मुझे ये गाना याद आता है, जिसने भी बनाया है यार सीरियसली। सही है, लुक एट द विंड यार, कितनी अच्छी अच्छी हवा आ रही है। ऐसे हवा दिखती नहीं है बट प्लांट्स जैसे हिल रहे, आप लोगों को दिख रही रहेगी कि कितनी अच्छी और प्रिटी विंड है। उनको पालक का भी बताती हूँ मैं, पालक मैंने कभी पालक को ऐसे नॉर्मली डायरेक्टली ज़मीन में से उखाड़ कर नहीं बनाया और ना ही मैंने कभी खाया है, लेकिन गांव में आकर मैंने फर्स्ट टाइम पालक डायरेक्टली ज़मीन में से निकाल कर बना कर खाया है। और मुंबई में तो ना हमारे एरिया में, मुझे तो ऐसा लगता है कि गटर साइड का जो पानी होता है ना वो उससे उगा कर भेजा जाता है, और सच में गटर का ही पालक मिलता है यार। लीफी वेजिटेबल हम लोगों को वहाँ पर खाने को भी मन नहीं करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो गटर का पानी से उगा कर फिर बाद में आया है, और गटर साइड में ही उगता है पालक और मेथी जो भी है। ये है मूली, लेकिन मूली ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यार, बहुत गंदा स्मेल आता है, लेकिन सच बताओ तो हेल्थ के लिए ना मूली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये रही पालक, मुझे पालक की सब्जी बहुत पसंद है। ये लहसुन के प्लांट से सारे हम लोग इसके पत्तियों की भी सब्जी बना सकते हैं इजी। जब हम लोग लॉकडाउन में आए थे ना यहाँ पर, तब हमने बहुत ज़्यादा जामुन खाए थे। ये है जामुन का पेड़, लाइक इतने ज़्यादा जामुन आते हैं ना इस जामुन ट्री में, बहुत ज़्यादा। हम लोग ने बहुत मज़े किए थे यार, बहुत ज़्यादा जामुन खाए थे, और मतलब पेट भर जाए इंसान का खा खा कर, देख देख कर भी हम लोग परेशान हो जाए कि भाई बस हो गया अब नहीं खाना है मुझे। अच्छा पापा, अच्छा तो मेरी सास मेरे ससुर की कंप्लेंट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे ससुर को ना बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा प्लांट्स वगैरह उगाना, क्योंकि वो ज़मीन रोकती है और वेजिटेबल्स वगैरह कोई खाता नहीं है, तो इसके लिए उनको कंटाला आता है, वो मतलब बोलते कि नहीं उगाना है, नहीं ग्रो करना है। लेकिन मेरी सास ने फिर भी जामुन ट्री को प्लांट किया है, तो वो कुछ सालों बाद या मुझे नहीं पता कब आएंगे जामुन उसमें। तो
अभी बज गए 5:30 और मैं अभी रात के खाने की प्रेपरेशंस करूँगी। और रात को कुछ ज़्यादा नहीं बनाना होता है तो बहुत अच्छी बात ही है, क्योंकि इतने ठंडी में खाना बनाना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। तो अभी मैं सिर्फ खिचड़ी रख दूँगी गैस पर, तो अभी इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। मूंग और चावल के साथ बनती है हमारी खिचड़ी, उसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ नमक जाता है और हम लोग उसको छाछ के साथ खाते हैं। जो छाछ नहीं खाता है वो उसको मिल्क के साथ खाता है। डन, आज का काम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ खिचड़ी कर दिया है। और जो हम लोग रोटला बोलते हैं, जो होती है भाकरी या फिर बाजरी का रोटी भी बोल सकते हैं उसको, बट हम लोग उसको रोटला बोलते हैं। तो हम लोगों का वो तो ऑलरेडी दोपहर को बच गया था, तो फिर हम लोग वही खा लेंगे, क्योंकि मैं, मम्मी और पापा ही, और कोई नहीं है। और पापा तो रात को सब्जी खाते नहीं है, और मैं और मम्मी भी मतलब कभी कभार खा लेते वरना नहीं खाते, तो थोड़ा सा भाकरी भी बच जाता ना तो भी चल जाता। सो लुक एट दिस, खिचड़ी रेडी हो गई है और अभी 1 मिनट में मैं गैस बंद कर इसके अंदर अच्छे से घी मिलाकर खाने के लिए रख दूंगी, और थोड़ी देर के बाद हम लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो ये है फ्रेश घी जो रोज बनता है घर में, और अभी ठंडी की वजह से पूरा जम जाता है, इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ठंडी के वक्त। ये पूरा डाल देंगे इसमें। इसी के साथ मैं आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी। हम लोगों का छोटा सा किचन गार्डन जो था, मतलब मेरी सास ने जो भी वेजिटेबल्स ग्रो करी हुई थी, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना ना भूले, और अच्छे खासे व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन आप लोग पता नहीं सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ साथ शेयर करना अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।